रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, नाम लेते ही आपको पता रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नाम कितना दबदबा रखता है और कितना भारी भरकम नाम है। ये जो नाम है आजकल पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि घर घर की कहानी से जूझ रहा है। एक ऐसा शख्स इनके बीच में आ गया है जिससे राजा रानी की जोड़ी टूट गई है। मामला पारिवारिक न्यायालय में पहुंच गया है। राजा भैया चाहते हैं तलाक, लेकिन पत्नी नहीं देना चाहती है तलाक। कौन है वो भानवी सिंह जो अपने देवर से इस कदर नाराज हो गई कि पति ने पत्नी का नहीं बल्कि देवर का साथ दिया, तो पत्नी चली गई न्यायालय, पत्नी के साथ ससुर जी भी खड़े हैं। ये पूरी जो घर घर की कहानी है उसमें ये जानना जरूरी है कि रानी कौन है, यानी कि भानवी सिंह कौन है जिन्होंने अपने पति के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर लिया है, क्योंकि पति पत्नी का नहीं बल्कि एक मुंह बोले भाई का साथ दे रहा है। 7 बार कुंडा से विधायक निर्दलीय तौर पर, इसके अलावा यूपी सरकार में जेल खाद मंत्री, 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बना चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी हैं राजा भैया। इस बार इनकी पत्नी भानवी सिंह ने इनके लिए मुसीबत बढ़ा दी है। वो भानवी सिंह और राजा भैया का जो रिश्ता है, 28 साल पुराना बॉन्ड आज टूट की कगार पर है। 2 साल हो गए हैं पति पत्नी आपस में साथ में नहीं रह रहे, यानी कि राजा रानी अपने महल में नहीं रह रहे हैं, भानवी सिंह अलग रह रही हैं। राजा भैया और अक्षय प्रताप की करीबी इस कदर है कि लोग उन्हें भाई समझते हैं। देवर को लेकर भाभी ने केस दर्ज कराया धोखाधड़ी का। राजा भैया ने इस मामले में कहा है कि वो अपने भाई के साथ हैं। अब क्या था, मध्यस्थता के सवाल पर कह दिया घर घर की कहानी है, पत्नी नाराज हो गई, कोर्ट चली गई। साथ साथ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का भी पत्नी को साथ मिल गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती के राजघराने की राजकुमारी बहुत ज्यादा आजकल फॉर्म में है। राजा भैया चाहते हैं तलाक, लेकिन वो दे रही हैं जवाब दाखिला करने में इतनी देरी कि शायद ये तलाक का मामला टल रहा है। 1995 में शादी हुई थी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर राजा भैया और उनकी वाइफ की वायरल होती थी। बस्ती में इनका जन्म हुआ था। बस्ती के राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह की ये बेटी है। इनकी पढ़ाई बस्ती में हुई है, उसके बाद ये लखनऊ चली गई थी। राजा भैया भानवी सिंह की 2 बेटियां हैं जिनका नाम है राघवी और ब्रजेश्वरी। इसके साथ 2 बेटे भी हैं, शिवराज ब्रजराज। 4 बच्चे हैं। भानवी सिंह उत्तर प्रदेश के राजघराने की राजकुमारी का जो तेवर है वो देखने को इस केस में भी मिलता है। वो किसी भी तरीके से गलत बर्दाश्त नहीं कर रही, वो चाहती थी कि राजा रानी का साथ दे, लेकिन राजा मुंह बोले भाई के साथ खड़ा है। ऐसे में पारिवारिक संकट इतना बढ़ गया कि मामला न्यायालय पहुंच गया है। साकेत कोर्ट की तस्वीरें ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखने वाला वो शख्स अब कानून की जद में आ गया है। चाहता है पत्नी से तलाक, लेकिन राजकुमारी से रानी बनी रानी अब नहीं राजा से दूर होना चाहती है। वो चाहती है कि इस पूरी लव स्टोरी में जो एक विलन आया उसको सजा मिले, लेकिन राजा भैया वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह का साथ दूंगा, जो कि इस केस में सही है। भानवी सिंह एक ऐसी शख्सियत जिसने रानी का दबदबा, रानी की जिम्मेदारी तो निभाई, इसके साथ अपने देवर के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि राजा और रानी सामने हो गए।